जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है मैं समुद्र पे जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य अपने लक्ष्य को निश्चित पाओगे। विश्वास विश्वास, अपने आप पे विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवी देवताओं और विदेशी द्वारा बतलाए गए सब देवताओं में विश्वास रखते हो, पर यदि अपने में विश्वास नहीं रखते, खुद में विश्वास नहीं रखते, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। स्वयं पर विश्वास रखो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। ये एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है, कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। संसार को बस कुछ 100 साहसी और स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वो अमर आत्मा है, समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता, तब तुम आजाद हो जाओगे। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वो विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च से उच्च विचारों और उच्च आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो और उन्हीं में से महान कार्य का जन्म होगा। असफलता की चिंता मत करो, वे स्वाभाविक है। यह असफलता ही तो जीवन का सौंदर्य है, उनके बिना भला जीवन क्या होता। जीवन में अगर संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही बेकार है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य, इसलिए संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो, असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये एक छोटी छोटी फिसलने हैं। अपने आदर्श को सामने रखकर हजार बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहो। यदि तुम हजार बार असफल होते हो तो फिर एक बार प्रयत्न और करो। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो, इसी बात पर खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता और पाप देखने के लिए बाध्य हो, विवश हो। इसी का तुम्हें दुख होना चाहिए कि तुम सबोर केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो तो उसकी कभी भी निंदा मत करो, उसे और अधिक कमजोर मत बनाओ। पाप और दुख आदि ये सब क्या है? कुछ भी नहीं, ये सब कमजोरी के ही परिणाम है। इस प्रकार के उपदेशों से संसार दिन प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर बनाया जा रहा है। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। विश्व की समस्त शक्तियां हमारी हैं, हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं सब ओर अंधेरा है। जान लो हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है, अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा। जो पहले भी था, अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूढ़ हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं, अपवित्र हैं। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचरण करने में नहीं है, वरन शक्ति पर विचार करने में है। मनुष्य को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उसमें है। हम देखते हैं कि एक तथा दूसरे व्यक्ति के बीच अंतर होने का कारण उनका अपने आप पर विश्वास होना और ना होना ही है।
अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियां छुपी हुई हैं? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं, परंतु उसकी शक्तियों का अभी तक अत्यंत शुद्ध भाग ही अभिव्यक्त हो सका है। इसलिए तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम क्या जानो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं? जो शक्ति तुम में है उसके बहुत कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों के और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वो है आत्मविश्वास। जन्म से ही विश्वास होने के कारण कि वे महान होने के लिए पैदा हुए, वे महान बने। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होते हैं। अपनी स्नायु शक्ति बढ़ाओ। हम लोहे की मांसपेशियां तथा फौलाद के स्नायु चाहते हैं। हम बहुत रो चुके, अब और ना रो, बल्कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। सबसे पहले हमारे युवाओं को मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनके अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छे से समझ सकोगे। इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक जाती है, क्योंकि वो ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है। पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति ही सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? मनुष्य, केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल दृढ़ तेजस्वी आत्मविश्वासी तरुण, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि ऐसे 100 व्यक्ति भी मिल जाएं, तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। समस्त संसार हमारी मातृभूमि का ऋणी है। किसी भी देश को ले लीजिए, इस जगत में एक भी ऐसी जाति नहीं है जिसका संसार इतना ऋणी हो जितना वो यहां के धैर्यशील और विनम्र हिंदुओं का है। अनेकों के लिए भारतीय विचार, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य पहली ही नजर में घृणास्पद प्रतीत होते हैं, पर यदि वे सतत प्रयत्न करें, पढ़ें तथा इन विचारों में निहित महान तत्वों से परिचित हो जाएं, तो परिणाम स्वरूप उनमें से 99% आनंद से विभोर होकर उन पर मुग्ध हो जाएंगे। अन्य देशों में धर्म की केवल चर्चा ही होती है, परंतु ऐसे धार्मिक पुरुष जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणित किया है, जो स्वयं साधक हैं, केवल भारत में ही हैं। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी शिक्षा हम संसार को दे सकते हैं। यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष अत्याचार को सहने, लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी शासन में रहने और विदेशियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यह देश आज तक जीवित रहा है। उसके अभी भी अस्तित्व में रहने का कारण सिर्फ यही है कि वो सदैव और अभी भी ईश्वर का आश्रय लिए हुए है तथा धर्म एवं आध्यात्मिकता के अमूल्य भंडार का अनुसरण करते आया है। हमारे अहंकारी रहीस पूर्वज हमारे देश की सर्वसाधारण जनता को पैरों से तब तक कुचलते रहे जब तक कि वे निसहाय नहीं हो गए, जब तक कि वे बेचारे गरीब प्रायः ये तक नहीं भूल गए कि वे मनुष्य हैं। उन्हें शताब्दियों तक केवल लकड़ी काटने और पानी भरने को इस तरह विवश किया गया
कि उनका विश्वास हो गया कि वो गुलाम के रूप में पैदा हुए। हमारे देश में अभी भी धर्म एवं आध्यात्मिकता विद्यमान है, जो मानो ऐसे स्रोत हैं जिन्हें आबाद गति से बढ़ते हुए समस्त विश्व को अपने बाढ़ से अप्लावित कर पाश्चात्य तथा अन्य देशों को नवजीवन तथा नव शक्ति प्रदान करनी होगी। ध्यान रहे, यदि तुम इस आध्यात्मिकता का त्याग कर दोगे और इसे एक ओर रखकर पश्चिम की जड़वात सभ्यता के पीछे दौड़ोगे तो नतीजा ये होगा, 3 पीढ़ियों में तुम एक मृत जाति बन जाओगे, क्योंकि इससे राष्ट्र की रीढ़ टूट जाएगी। राष्ट्र की वो नींव जिस पर इसका निर्माण हुआ है वो नीचे धस जाएगी और इसका फल सर्वांगीण विनाश होगा। उपनिषदों का सत्य तुम्हारे समक्ष है, उन्हें स्वीकार करो, उनके अनुसार अपना जीवन बनाओ और इसी से ही शीघ्र भारत का उद्धार होगा।